उपेंद्र कुशवाहा के लिए हो गया काराकाट से चुनाव लड़ना बेहद मुश्किल। काराकाट की जनता ने उपेंद्र कुशवाहा को दे दिया है एक बड़ा झटका, जिसका एक वीडियो निकलकर सामने आ रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला आज के इस वीडियो में। वोट तो आपको नहीं देंगे महाराज, उपेंद्र कुशवाहा के मुंह पर ही बेइज्जती कर दी गई। पहले देखिए ये पूरा वीडियो। देखिए खैर अबर तो वोट नहीं दिया जाएगा, यहाँ से रही बात, आपकी पूरा इज्जत कर रहे हैं, स्वागत है और आभार भी व्यक्त कर रहे हैं इस बात के लिए कि आज तक 18 वर्षों से जो सांसद महोदय रहे हैं, ऐसे ऐसे पिछड़ा या कोयरी के गांव में कभी आना उचित नहीं समझे, इससे गुजरते हुए भी कभी रुकने के प्रयास नहीं किए, लेकिन आपको बुलाया गया तो चलिए हम लोग धन्य हो गए आपका दर्शन करके महाप्रभु जी। लेकिन वोट नहीं मिलेगा हम लोग की तरफ से सर। टीका थोड़ी लिया, कोई से पूछिए, हम बीच के हैं ना, कोई भी वोट देने में तैयार ही नहीं है। अच्छा चला जाइए, अरे पर संगत इज्जत पूर्वक बात कर, कौन बड़ी बात कर रहे हैं, राय न लेने आए हैं हम, क्या बात है। उपेंद्र कुशवाहा का मामला धीरे धीरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र से बिगड़ता जा रहा है। पहले पवन सिंह के नामांकन के बाद अब एक ऐसा वीडियो निकल कर सामने आया है जिससे उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, और वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि कुशवाहा समाज की तरफ से ही इस तरह की बात कही जा रही है। अगर उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा समाज वोट नहीं करता है तो इसका सीधा मतलब है कि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हार सकते हैं, और पवन सिंह के खड़े हो जाने से सवर्ण जाति का वोट भी कहीं न कहीं बढ़ जाएगा। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा के लिए जीतना काराकाट लोकसभा क्षेत्र से काफी मुश्किल हो सकता है। इस वायरल वीडियो में साफ कहा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के सामने स्थानीय लोग साफ साफ कह रहे हैं कि वोट तो आपको नहीं देंगे लेकिन आपका आभार है और स्वागत है। वीडियो में एक स्थानीय नेता हाथ जोड़ कुशवाहा से कह रहे हैं कि अब की बार वोट तो आपको नहीं देंगे महाराज, लेकिन आपका स्वागत है, आभार भी व्यक्त कर रहे हैं। और आज तक के 18 वर्ष में जो सांसद महोदय रहे हैं, ऐसे पिछड़ा कोयरी गाँव में कभी आना उन्होंने उचित नहीं समझा, यहाँ तक की इधर उधर से गुजरते हुए भी कभी रुकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन आपको बुलाया गया है तो चलिए हम लोग धन्य हो गए आपका दर्शन करके महाप्रभु जी, लेकिन वोट आपको नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए उम्मीदवार है, वही महागठबंधन की तरफ से सीपीआई एमएल के राजा राम सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं, वो भी कुशवाहा समाज से हैं। राजा राम सिंह ओवरा विधानसभा के पूर्व विधायक हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के महाबली सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा को हराकर जीत दर्ज की थी, इस बार सीट उनसे छीनकर उपेंद्र कुशवाहा को दे दी गई। महाबली सिंह नाराज बताए जा रहे हैं, हालांकि 2014 में कुशवाहा ने पहली बार यहां पर जीत दर्ज की थी। काराकाट संसदीय क्षेत्र रोहतास जिले के तहत आती है। सासाराम सीट से छेदी पासवान का टिकट भी कटने से वो भी नाराज बताए जा रहे हैं, लिहाजा क्षेत्र में एनडीए के दो बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भीतरघात करने की आशंका जताई जा रही है। दूसरी तरफ पवन सिंह जो राजपूत समुदाय से आते हैं, उनके बिरादरी और युवाओं में भी उनकी अच्छी पकड़ है। इलाके में कुशवाहा यादव राजपूतों का लगभग बराबर ही वोट शेयर है, तीनों जातियों के पास 2-2 लाख वोट है। इस बार राजद ने भाजपा और जेडीयू के लवकुश समीकरण में सेंध मारी है, इससे कोयरी वोट भी एनडीए से खिसकने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में देखना है काराकाट सीट पर जनता क्या फैसला सुनाती है। अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये हमारा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। कार चाहिए तो चिंता किस बात की, टैक्सी हब है ना, बस कॉल करो 7352922383 पर। घर बैठे कार मंगवाओ, कहीं भी जाओ, और टाइम और पैसा दोनों बचाओ। जाओ